गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक रेक्टेंगल लेमिना का उससे एक डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था। आज हम लोग एक इलिप्टिक लेमिना का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक एरिया या इलिप्टिक लेमिना भी हो सकता है अबाउट आ डायमीटर ऑफ द लेंथ स्मॉल आर, वेयर इफ एम बी द मास एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द सेमी एक्सिस ऑफ द एलिप्स। मतलब कहने का ये है कि आप उस एलिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट बताइए जिसकी लेंथ स्मॉल आर है और सेमी एक्सिस स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ठीक है, सो ये चीज़ ऐसे ही पूछ लेते हैं कभी कभी कि प्रूव दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक एरिया अबाउट अ डायमीटर ऑफ लेंथ आर इफ एम बी द मास एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द सेमी एक्सिस ऑफ एलिप्स इज, ये रिजल्ट आपको दे देंगे। सो कहीं ना कहीं आपको प्रोसीजर दोनों जगह पर सेम ही रखना है। ठीक है, तो फाइनली आपको रिजल्ट ये निकाल के लाना है। सो ये मेरा एक इलिप्स मैंने ड्रॉ किया है, इसकी सेमी एक्सिस ये है और ये है। ठीक है, ये इसका एक डायगोनल है सी पी, जो क्या कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। सो जब ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और इसकी डिस्टेंस हमको आर दे रखी है, सो इसके एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है आर साइन थीटा होती है और ये वाली लेंथ क्या होती है आर कॉस थीटा। सो अगर ये पॉइंट पी के मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो क्या होगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। सो इसलिए मैंने ये पी के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे इसका हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो मैंने ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंसीडर एन एलिप्स, आप लोग एलिप्स की इक्वेशन ये जानते ही हो गए। अब हमको गिविन क्या है, मास ऑफ एलिप्स कैपिटल एम के बराबर है, सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए के बराबर है और सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ें हमको गिविन थी। अब आगे सपोज सी ओ पी वी द डायमीटर ऑफ एलिप्टिक एरिया विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, यानी कि हमने मान लिया कि जो सी ओ पी है वो इसका एक डायमीटर है जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, आगे वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्स अबाउट सी पी, और हमको इस सी पी के अबाउट ही इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सिंस वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन विच मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस इज गिविन एज, चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही हो उसके अबाउट किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आई बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस एफ साइन टू थीटा। ये इक्वेशन होती है किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उस लाइन के अबाउट जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही हो। अब आप लोग बोलोगे सर आपने इसको सी पी क्यों बोल रखा है। सो अगर मैं सी पी को एक लाइन की तरह कंसीडर करूँ सो ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। सो यानी कि हम लोग सी पी के लिए भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी और एफ़ क्या थे वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वाई एक्सिस के अबाउट और एफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है एक्स और वाई के अबाउट। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि ओ एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एलिप्स का उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे और ये कितना होगा 1/4 एम बी स्क्वायर। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई इज इक्वल टू बी, यानी कि जो ओ वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं बी से डिनोट करूँगा और इसका मान कितना होगा 1/4 एम ए स्क्वायर। और एफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई, और ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा उसको एफ से डिनोट करेंगे और ये जीरो होगा क्योंकि ये जो एलिप्स है वो इस डायमीटर के अबाउट कैसा है सिमेट्रिकल है। सो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया ए बी और एफ की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर टू में रख दिया। सो मैंने वही लिखा हुआ यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड एफ इन इक्वेशन टू वी गेट, सो भाई ए बी और एफ की वैल्यू को मैंने इक्वेशन टू में रख दिया है तो देखते हैं आई सी पी इज इक्वल टू 1/4 एम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एफ की जगह पे मैंने क्या रख दिया जीरो साइन टू थीटा। तो चूंकि ये जीरो से प्रोडक्ट हो रहा तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा आई सी पी इज इक्वल टू एम बाई फोर, चूँकि एम बाई फोर यहाँ पर भी था और एम बाई फोर यहाँ पर भी था तो मैंने कॉमन निकाल लिया। सो अंदर क्या बचा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। अब अगर आप लोग देखो सो यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। सो यानी कि मुझे यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में से। अब थीटा कैसे एलिमिनेट होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले पॉइंट की हेल्प से। ठीक
ठीक है। अभी चूंकि ये जो पॉइंट पी है वो इस इलिप्स पे लाई कर रहा है, सो ये जो पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो बस इसी की हेल्प से हम लोग थीटा को एलिमिनेट करेंगे, तो मैंने वही लिखा हुआ है। गिवन क्या है, सिंस लेंथ ऑफ सेमी डायमीटर सी पी इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी कि जो डायमीटर की लेंथ है वो क्या है, स्मॉल आर के बराबर है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ठीक है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब सिंस द पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, लाइज ऑन इलिप्स, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी कि अगर पी इलिप्स पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो मैंने बस एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा रख दिया और वाई की जगह पे आर साइन थीटा, चूँकि एक्स स्क्वायर था तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस वाई स्क्वायर था तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन बी स्क्वायर ऐसे ही रहा इज इक्वल टू वन। मैंने क्या किया, आर स्क्वायर यहाँ से और स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लिया, सो मेरा क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब मैंने क्या किया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, सो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहा और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो डिवाइड में था उसको मैंने आर स्क्वायर के डिवाइड में कर दिया है, सो ब्रैकेट के अंदर मेरी वैल्यू क्या बची, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अगर आप लोग देखो इस इक्वेशन में ध्यान से, सो मुझे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं इस ब्रैकेट की वैल्यू को डायरेक्ट ऊपर इक्वेशन में यूज़ कर दूंगा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, सो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया हमको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में कर देंगे यूज़, सो मैंने वही लिखा हुआ है, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थ्री वी गेट, सो हमको क्या मिला, आई सी पी। पहले तो देखते हैं इक्वेशन थ्री क्या है, आई सी पी इज इक्वल टू एम बाई फोर, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सो एम बाई फोर आप देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे ही रखा है, बट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू, तो आप लोग देख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, आई सी पी इज इक्वल टू एम बाई फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो यही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है एक एलिप्टिक लैमिना का उसके डायमीटर के अबाउट, ठीक है। ये कभी कभी प्रूफ करके